एवरीवन, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स जो मैं करा रही हूँ उसमें मेकअप शुरू किए हूँ, तो उसमें मैंने आपको CTM बता दिया, यानी कि CTM के पूरे मायने आपको बता दिए। मेरी समझ से आपको उस वीडियो से CTM समझ में आ गया होगा कि मेकअप से पहले CTM क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें लिख दिया है मैंने ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स मेकअप, तो उसमें भी आप मेरे चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हो। अब CTM तो हो गया है ना, CTM के बाद जो आपका सेकेंड स्टेप होता है वो होता है प्राइमर। तो गाइस प्राइमर भी कई तरह के आते हैं, तो आज मैं आपको कुछ प्राइमर भी दिखा दे रही हूँ, साथ ही मैं आपको स्किन को कलर करक के द्वारा किस तरह से सही करें वो भी बताऊंगी। तो प्राइमर के लिए मार्केट में काफी सारे प्राइमर हैं, जैसे आपके सिलिकॉन वाले आते हैं, आपके क्रीम बेस पे आते हैं, इनमें से आप कोई भी प्राइमर ले सकते हो। जैसे आज मैं आपको दिखा रही हूँ मिस क्लियर का, काफी अच्छा प्राइमर है। और प्राइमर आप स्किन पे जरूर लगाया करो। अगर जैसे मैं कहूँ कि डेली मेकअप में, तो डेली मेकअप में ये सब कौन लगाता है? आपको कहीं पार्टी में जाना है, या आप ब्राइड के कर रहे हो, दुल्हन के कर रहे हो, या आपके पार्लर में कोई पार्टी मेकअप कराने आया है, तब आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो एक मैं SQ का दिखा रही हूँ, और ये लैक्मे एब्सोल्यूट का काफी अच्छा है, इससे ये प्राइमर ही काफी अच्छा है। ये देखो, तो अगर आप ये प्राइमर ही लगा देते हो तो स्किन में बिल्कुल सॉफ्टली एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही ज्यादा फाइन लुक आ जाता है, स्किन बिल्कुल ना स्मूथ सी हो जाती है। तो गाइस प्राइमर भी जरूरी है, तो मैंने आपको कुछ प्राइमर दिखा दे रही हूँ। SQ का है, जैसे कलर बार का है, और शुगर का है, तो काफी सारे ये प्राइमर हैं, जैसे मिस क्लियर का दिखाया। तो इनमें से आप कोई भी प्राइमर ले सकते हो, और प्राइमर मेकअप करते समय जरूरी है लगाना। CTM के बाद जो सेकेंड स्टेप है वो प्राइमर है, तो प्राइमर आपको जरूर है लगाना। उसके बाद आता है कलर करेक्टर। तो कलर करेक्टर में अब मैं आपको बता रही हूँ, कलर करेक्ट करने के लिए जैसे इस तरह से आते हैं कलर, देख रहे हैं, जैसे ये ग्रीन है, येलो है, ब्राउन है, ठीक है। अब ये ब्राउन है, और इसी का मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ये ग्रीन है, ब्राउन है, येलो है, इसमें आप देखोगे रेडिश सा है, रेडिश ब्राउन है, फिर ये ब्राउन है, फिर ये लाइट ब्राउन है। तो इन छह कलर आपको, छहियों कलर आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, ठीक है। एक मैं और आपको लेके चलूं, जैसे मैंने इससे भी आपको कई बार मेकअप दिखाया, जैसे कि ये सुस ब्यूटी की है, इसमें आपको ये ऑरेंज कलर करेक्टर दिखेगा, और ये काफी सारे दिखेंगे और भी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये स्टिक में है NYWAKE के ये लिक्विड वाले, बाद हम NYWAKE के ये वाले दिखा रहे हैं आपको, ये छोटी स्टिक, ये देखो ये छोटी स्टिक है, इसमें भी आपको ग्रीन ग्रीन सब मिल जाएगा। अभी मैं आपको यूज भी बता रही हूँ कि कैसे, जैसे इसमें भी मिल जाएगा, और ये काफी रीजनेबल रेट के हैं, और इनसे मेकअप भी बहुत अच्छा होता है। कई बार मैंने भी मेकअप आपको इसमें दिखाया है, तो इसमें मिल जाएगा। और NYWAKE के ये रनवे है, ये देखो इसकी स्टिक और इनकी स्टिक में फर्क है, ये थोड़ी सी बड़ी है, और है, और ये रनवे इनका नया है, नया तो नहीं कहेंगे, तो ये इस तरह से स्टिक है, ये देखो। तो इसमें भी आपको सारे कलर मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब जैसे आपको स्किन के हिसाब से लेना हो। फिर अब मैं आपको SQ के दिखा रही हूँ। SQ के मैंने ये वाले दिखाए आपको, मिनी पैलेट दिखाई, अब ये SQ के ये भी है। ये वाले SQ के में आपको आगे ये स्टिक मिलेगी, और पीछे आपको इसको सेट करने का स्पंज भी मिल जाएगा, ये देखो, जिससे आप अच्छे से इसको मिक्स कर सकते हो, ठीक है। ये हो गए, अब मैं आपको एक और दिखा रही हूँ ब्रांड Amsterdam के, ये देखो इसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो इनके भी कलर करेक्टर काफी अच्छे हैं, आपको ग्रीन, येलो, जो भी लेना है आप इसमें से भी ले सकते हो, रिजनेबल रेट के मिलेंगे और अच्छे भी हैं, मेकअप भी इनसे अच्छा होता है, ये देखो, ठीक है ना। अरे खोने की बजाय हम बंद कर दे रहे तो ये देखो, ये तीनों आपको दिखा रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। देखो जैसे ये वाला है, अब इसमें आपको तीन दिख रहे हैं, तो जो येलो वाला है, तो येलो वाला पता कहाँ यूज करेंगे, जैसे आंख के नीचे बिल्कुल लाइट सा कालापन है, तो वहां हम येलो वाला लगाएंगे। अगर आंख के नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्किल है, बहुत ज्यादा डार्क सर्किल है, तो हम ये वाला कलर लगाएंगे, ये वाला डार्क ब्राउन,
रेडिश, और ये देखो इसको लगाएंगे। इसको कैसे लगाएंगे, ये बहुत ज्यादा जिनके डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है, और ये डार्क सर्कल ही नहीं जैसे कि ब्राउन पैचेस होते हैं स्किन में कहीं भी होंगे, मतलब किसी के पिगमेंटेशन के निशान है वहां पर भी हम इसको लगाएंगे, ये लगाएंगे। और अगर आपके ज्यादा डार्क नहीं है, आपका कम है ना, तब आप ये येलो वाला लगाओगे, ये देखो है ना। और ये जो ब्राउन वाला है ये आपका कंटूरिंग के भी काम आता है, जैसे ये वाला ब्राउन देखो, ये आपका कंटूरिंग के भी काम आ जाएगा। और इसके बाद जब आपने रेड लगाया, उसके बाद अब आप ये वाला लगाओगे, और इसको लगा करके आपको रगड़ना नहीं है, बस आपको इस तरह से फिंगर से या आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर से लेके हल्के से इस तरह से डैप डैप कर देना है, जैसे कि ये अच्छे से स्किन में मिक्स हो जाए और डार्क जो स्पॉट है वो दूर हो जाए। अब आपकी स्किन के जो आंख के ऊपर की बारी आती है, अगर आपके पास आई प्राइमर नहीं है तो आप इनका यूज कर सकते हो, तो आप इनमें से आपको जो लगे स्किन के ऊपर, तो ये वाला आंख के ऊपर लगाना सही है, ये वाला, तो हम इसको लगा लेंगे, ठीक है। अब आपकी बारी आती है कि आपके पिंपल्स हैं या आपके पिंपल्स के निशान हैं, तो पिंपल्स के लिए ये ग्रीन वाला बेस्ट है, तो ग्रीन वाला आप जहां जहां पर पिंपल्स हैं वहां वहां आप लगा दोगे, मेरे तो है नहीं लेकिन जिसके भी हैं तो आप इस तरह से ग्रीन वाला आपको लगाना है, ठीक है दिया। अब आपका जहां जहां पर भी थोड़ा थोड़ा सा लाइट सा डार्क है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं, तो आप ये येलो वाला लोगे फिंगर से और यहां यहां लगा दोगे, जैसे आपका हिसाब से, जैसे किसी किसी की ये लिप एरिया ना बहुत ज्यादा काला होता है तब आप पहले ब्राउन वाला लगाओगे उसके बाद ये लगाओगे, तो मेरे जैसे नहीं है तो हम इसको येलो वाला लगा देंगे, और येलो वाला आंख पे भी हम इस तरह से लगा देंगे जैसे जो हम आई शेडो लगाए उसका कलर अच्छे से आए। अब हमने इनसे अपने फेस को करेक्ट कर लिया, यानी कि जो जो जहां जहां पैचेस था, जो जो खराबी थी वो हमने छुपा ली। आप शुद्ध भाषा में समझो तो जो खराबी थी उसको छुपाना होता है। अब इसके बाद आपको इस तरह से या तो फिंगर से ही हल्के से डैप डैप कर देना है, बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, और या फिर आप एक ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो और उसको गीला करके ये पहले हटा दें, तो या फिर आप एक ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो उसको गीला करके उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल करके आप उसको यूज करके हल्के हल्के से आपको इस तरह से लगाना है। और ये देखो अब आपकी जो स्किन में प्रॉब्लम थी वो छुप गई। अभी देखो मैंने यहां लगाया था, यहां नहीं लगाया, तो आपकी जो स्किन में प्रॉब्लम थी वो सारी छुप गई, यानी कि जो आपके पिंपल्स थे वो भी छुप गए, पिंपल्स के निशान छुप गए, आपके ब्लैक आंख के नीचे डार्क सर्कल थे वो छुप गए, और आपके जो पिगमेंटेशन वगैरह के निशान थे वो छुप गए, यानी कि आप जितने निशान छुपाना चाहते हो इन कलर करेक्टर से आप छुपा सकते हो, है ना। अब मेरी समस्या आपको ये समझ में आ गया होगा, कलर करेक्टर आपको ग्रीन, ब्राउन, रेड, येलो, इनके बारे में आपको पता चल गया। अब ये गाइस कई सारे ब्रांड में आते हैं, आप देखो, मैं आपको इनका लिंक भी आपको नीचे दे दूंगी, आप चेक कर लेना, कई सारे ब्रांड में आते हैं, तो लेकिन जो ग्रीन वाले का काम है वो वही करेगा चाहे आप कोई भी ब्रांड का लो, येलो वाला वही काम करेगा चाहे आप कोई भी ब्रांड का लो, ब्रांड अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, काम वही है। अब आप इसको चाहे स्टिक में लो, चाहे आप इस तरह से लिक्विड में लो, और चाहे आप किसी भी ब्रांड का लो, काम ये वही करेंगे। तो मेरी समस्या आज आपको प्राइमर और कलर करेक्टर के बारे में अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके आगे बताऊंगी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसके बाद आपको क्या करना है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो और इसको शेयर करो, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बताइए कि शिवा जेट्टी चैनल पर ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स कराया जा रहा है। और प्लीज आप ये ना कहना कि मैम मुझको जोड़ लो, भाई आपका चैनल है, आप जुड़िए, आप देखिए वीडियोस और सीखिए,
आप वीडियोस देखिए, सीखिए, आपका चैनल है, आप उसमें जा करके जितने सारे वीडियो हैं आप उनको देखो, क्योंकि अभी तो पार्लर खुले भी नहीं है। आप आराम से सीखो, देखो वीडियो, सीखो, प्रैक्टिस करो, और अब तो थोड़े बहुत प्रोडक्ट भी आने लगे हैं तो आप उनको मंगा सकते हो। तो ये जो जैसे कि NYVA के हैं, काफी रिजनेबल रेट के भी आपको मिल जाएंगे, ये ज्यादा महंगे भी नहीं है। तो अगर आप सीख रहे हो, बिगनर्स हो, तो आप इनको मंगा सकते हो। तो इन सबका परचेस लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो। अगर इंस्टा पे अभी तक आपने मेरे को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, और आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टा पर आकर के फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टा की आईडी मेरी ये है, और आप मुझको टिकटॉक लाइकी पे भी फॉलो कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो अपने कमेंट्स के द्वारा भी बताते रहो कि आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो मैं उसी हिसाब से और वीडियो देती रहूंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का बताती हूँ कि आपको मेकअप में और आगे इसके क्या करना है, और जो पिछला CTM वाला था उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्रोडक्ट लिंक भी दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।